अल वहीद टूर एंड ट्रेवल्स, रायचूर टूरिज्म सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, रायचूर की शान, न्यूजी शान बिरयानी हाउस, एसएलवी कॉम्प्लेक्स, स्टेशन रोड रायचूर। समा लेडीज कॉर्नर, खवातीन की आराइश और जैबाइश, बनाओ सिंगार का सभी सामान दस्तियाब है। सना लेडीज कॉर्नर नीड्स टेलर, लेडीज और जेंट्स के लिए बेहतरीन टेलरिंग शॉप। नाज़रीन आदाब, एवन टीवी रायचूर में आप तमाम का खैर मकदम है। नाज़रीन, आज 23 मई ज़िला रायचूर के लिए कोरोना के मामले में बड़ी ही अफसोसनाक खबर लाया है। ये खबर बड़ी ही भयानक है। खबर ये है कि ज़िले में आज कोरोना के 40 पॉजिटिव नए मरीज़ पाए गए। 40 इन नए मामलों के साथ अब तक ज़िले में कोरोना पॉजिटिव की कुल तादाद 66 हो गई। कोरोना के नए मामलों में रायचूर तालुके के 4 मामले हैं, लिंगसूर तालुके के 4 मामले हैं और देदुर्ग के और बखिया 32 मामले देदुर्ग तालुके के हैं। देदुर्ग और लिंगसूर के तमाम मामलों में पाए गए मरीजों की ट्रैवल हिस्ट्री महाराष्ट्र से मिलती है, यानी ये महाराष्ट्र से आने वाले मुसाफिर मजदूर हैं। जबकि रायचूर तालुके के इरपुनूर ग्राम की 52 साल खातून को भी कोरोना मुस्बत पाया गया, जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री आंध्र प्रदेश से है, यानी वो आंध्र प्रदेश से रायचूर आई हैं। इसी तरह मलियाबाद में 2 साल की बच्ची को भी कोरोना हुआ है। इस बच्ची को ILI के जरिए ये वायरस लगा है। इसके अलावा सुल्तानपुर की एक 33 साल खातून को भी कोरोना वायरस लगा है, जो कि पेशेंट नंबर 1156 से रबते की वजह से लगा है। यानी इस खातून की ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, अलबत्ता बॉम्बे से आने वाले सुल्तानपुर के जो रायचूर ज़िले में जो पहले 6 केस पाए गए थे, उसमें सुल्तानपुर का एक केस था, उस पेशेंट नंबर 1156 इसके रबते में आने की वजह से इस खातून को कोरोना वायरस हुआ है। इन तमाम 40 नए मरीजों के प्राइमरी और सेकेंडरी रबते में आने वाले अफराद की ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से शनाख्त की जा रही है और इनके रबताकारों को क्वारंटाइन किया जा रहा है। नाज़रीन, रियासती हुकूमत ने हर संडे को मुकम्मल लॉकडाउन का ऐलान किया है। चुनाचे कल इतवार यानी 24 मई को शहर में मुकम्मल लॉकडाउन रहेगा, यानी पीर के दिन सुबह 7 बजे तक ये लॉकडाउन रहेगा। इतवार का सारा दिन तमाम दुकानें वगैरह सब कुछ, कारोबार सब कुछ बंद रहेंगे, सिवाय अशियाए ज़रूरिया जैसे कि दूध, मेडिकल वगैरह। इन चीज़ों को छोड़कर बाकी तमाम कारोबार बंद रहेंगे।